हेलो स्टूडेंट्स, नाउ आज हम स्टार्ट कर रहे एक्सरसाइज 1.2 मैथ्स में। पेज नंबर हमने लास्ट देखा था 8। अ स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई 7236 by 65 इंस्टेड ऑफ द मल्टीप्लाई बाय द 56 by how much the was his answer greater than the correct answer। अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि एक स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई कर रहा है 7236 मल्टीप्लाई 65 ओके, फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है 56 से भी ओके, तो आंसर किस तरह से ग्रेटर आएगा ओके। तो देखो यहाँ पर बच्चों 65 एंड 56 का यहाँ पर डिफरेंसेस देखना है 65 ओके। इन दोनों नंबर को इससे फिर पहले 7236 को ठीक 65 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 56 से मल्टीप्लाई करना है और दोनों का डिफरेंसेस हमें देखना है ओके। अंडरस्टैंड है बच्चों? अभी यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन का किस तरह से स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर R8 difference between the product 7236 multiply 65 minus 7236 मल्टीप्लाई 56। देखो यहाँ पर माइनस की साइन है तो लेफ्ट साइड एंड राइट साइड में ये कॉमन है ओके, ये नंबर कॉमन है तो उसे हम बाहर निकाल देते हैं। 7236 इन ब्रैकेट अभी यहाँ पर 65 माइनस 56 ओके, 7236 65 में से 56 माइनस करेंगे तो आंसर 9 होगा ओके। इन ब्रैकेट में यहाँ पर 7 मल्टीप्लाई 9 तो आंसर आपको क्या आएगा 7236 मल्टीप्लाई 9 करना है ओके। 9 सिक्स 54, 5 कैरी, 9 थ्री 27 प्लस 5 32 ओके, 32 2 यहाँ पर 3 कैरी, 9 टू 80 90 20 21 1 और 2 कैरी, 9 सेवन 33 फिर प्लस 2 33 34 35 ओके। तो आंसर इज 65,124। अंडरस्टैंडिंग बच्चों? यहाँ पर मतलब कि सो द स्टूडेंट्स आंसर वॉज द ग्रेटर देन, आंसर लिख सकते हैं सो द स्टूडेंट आंसर वॉज ग्रेटर देन then the correct answer by answer by 65,124 okay। now question number 9 okay, question number 9 में क्या है बच्चों देखो यहाँ पर 2 meter 50 centimeter clothes is needed out of the 40 centimeter clothes, how many shirts can be stitched and how much cloth will remain। अभी यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि एक शर्ट बनानी है ओके, तो उसको हम
टोटल लेंथ कितनी है 40 सेंटीमीटर है, आउट ऑफ 40 सेंटीमीटर क्लोथ की टोटल लेंथ है ओके। तो एक शर्ट इतने मीटर कपड़े में बनता है ओके, 2 मीटर 50 सेंटीमीटर, तो हमारे पास 40 मीटर क्लोथ्स है ओके। तो उसमें से हाउ मेनी शर्ट कैन बी स्टिच, तो हम कितनी शर्ट इतने मीटर सिल बना सकते हैं ओके, और कितना कपड़ा बच जाएगा ओके। तो देखो यहाँ पर मतलब कि देखो आप समझ गए ना, एक शर्ट बनाने के लिए 2 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर कपड़ा लगता है ओके। हमारे पास टोटल इतना लेंथ का कपड़ा है ओके, मीटर है, अंडरस्टैंड। देखिए यहाँ पर मीटर है, सेंटीमीटर है, ये मीटर है, तो पहले हम मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे ओके। क्वेश्चन नंबर 9, तो टोटल लेंथ ऑफ क्लोथ ऑफ क्लोथ 40 मीटर, अंडरस्टैंड 40 मीटर है ना, ओके नाउ तो उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के 40 × 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4000 सेंटीमीटर ओके। फिर लेंथ ऑफ द क्लोथ रिक्वायर्ड फोर टीचिंग वन शर्ट 2 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर। अभी यहाँ पर 2 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर को भी हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। 2 मीटर इज इक्वल टू 200 सेंटीमीटर प्लस 50 सेंटीमीटर ओके। 2 × 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 सेंटीमीटर, मतलब कि 250 सेंटीमीटर हमें एक शर्ट सिलने के लिए इतना कपड़ा चाहिए ओके। और हमारे पास 4000 सेंटीमीटर हैं, तो हमें ऐसे तो नाउ हमें क्या करना है बच्चों, अभी हम ऐसे लिख सकते हैं कि वन शर्ट स्टिच रिक्वायर द क्लोथ 250 सेंटीमीटर, सो हाउ मेनी शर्ट इन लेंथ ओके। तो हम 250 सेंटीमीटर्स वन शर्ट ओके, एंड हाउ मेनी 4000 सेंटीमीटर है, तो हाउ मेनी शर्ट ओके स्टिच, तो टोटल लेंथ कितनी है 4000 और 250 सेंटीमीटर ओके। तो हमें देखिए यहाँ पर 4000 × 250 ओके। तो यहाँ पर 250 × 1 से डिवाइड करेंगे पहले ओके। तो यहाँ पर 0 में से 5 नहीं होगा, यहाँ पर 3, 9 और 10, 10 में से 5, 9 में से 1, तो 8 और 3 में से 2, तो 1 और यहाँ पर 0 ओके। फिर यहाँ पर 250 7 से करते हैं ओके, चलो 7 से नहीं होगा 8 करते हैं ओके, क्योंकि 8 × 5 = 40 + 4 = 8 + 8 + 4 + 12 = 1 + 8 = 60 + 70, तो यहाँ पर 8 से डिवाइड होगा ओके। 1720 003 और यहाँ पर 1 और ये 0, 130 बच गया ओके। मतलब कि 1 यहाँ पर क्या होगा बच्चों, 80 शर्ट यहाँ पर कंप्लीट हो गए हमारे, ये आंसर आया ना, 80 शर्ट हम बना सकते हैं। और कितना कपड़ा बचेगा, तो ये जो रिमाइंड बच गया ना रिमाइंडर, तो यहाँ पर 1000
30 सेंटीमीटर, मतलब कि 1 मीटर और 30 सेंटीमीटर क्लोथ्स रिमाइन, मतलब कि इतना क्लोथ्स बचेगा लेफ्ट, ओके ओवर द। तो सो आंसर आप लिख सकते हो 80 शर्ट्स कैन बी स्टिचेस एंड 1 मीटर एंड 30 सेंटीमीटर क्लोथ्स विल बी लेफ्ट ओवर, ओके अंडरस्टैंड इट बच्चों। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, ओके क्वेश्चन नंबर 10 चलते हैं। द मेडिसिन इज अ मेडिसिन इज अ पैक इन द बॉक्स ईच वेटेज 4 kg एंड 500 ग्राम, ओके हाउ मेनी सच बॉक्स कैन बी लोडेड इन द वैन विच कैन नॉट कैरी बाई आर 800 kg। अभी यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि मेडिसिन इज अ पैक इन द बॉक्स ईच वेटिंग 4 kg एंड 500 ग्राम, तो हाउ मेनी सच बॉक्स कैन बी लोडेड इन द वैन एंड विच कैन नॉट कैरी बाई 800 kg। द वैन कैन कैरी मैक्सिमम, कितने कैरी कर सकती है वैन 800 kg, ओके वैन कितनी मैक्सिमम कैरी कर सकते हैं 800 kg, ओके तो 800 kg को हम पहले ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, ओके फिर यहाँ पर एक बॉक्स मेडिसिन एक बॉक्स में कितनी मेडिसिन रहेगी, तो 4 kg और 50 ग्राम, तो उसको भी हम किस में कन्वर्ट करेंगे, ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, ओके अंडरस्टैंड। फिर यहाँ पर नंबर ऑफ बॉक्स, कितने बॉक्सेस विच इन वैन कैन कैरी हम वो फाइंड आउट करेंगे, ओके अंडरस्टैंड बच्चों। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है क्वेश्चन नंबर 10, ओके द वैन कैन कैरी मैक्सिमम, द वैन कैन कैरी मैक्सिमम 800 kg, ओके तो 800 kg को हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, तो 800 kg मल्टीप्लाई 1 ग्राम, ओके तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0, मतलब कि 800 ग्राम, ओके अभी यहाँ पर एक बॉक्स में ईच बॉक्स ऑफ मेडिसिंस वेट कितना है 4 kg एंड 500 ग्राम, ओके तो यहाँ पर इनको भी हमें ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो 4 kg है तो 4 × 1 ग्राम प्लस 500 ग्राम, ओके तो 4 × 100 तो 4000 ग्राम प्लस 500 ग्राम, ओके तो 540 ग्राम्स, ओके तो नाउ नंबर ऑफ द ऑफ बॉक्सेस विच द वैन कैन कैरी, तो 800 ग्राम अपॉन बाय 4500 ग्राम्स, ओके तो नाउ 00 कट, ओके तो यहाँ पर 8000 बच्चा है और 45, ओके तो 8000
मल्टीप्लाई 45, ओके। तो 45 वन ज़ा 45, क्योंकि 45 टू ज़ा तो 90 होगा, कि यहाँ पर 5 और यहाँ पर 3, ओके, अंडरस्टैंड। नाउ 0, ओके, फिर 45, 50 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से नहीं, 7 से होगा, ओके। 7 5 ज़ा 35 और 3, 7 4 ज़ा 28, 29, 20, 30 और 31, तो 350, ओके। 7 यहाँ पर, ओके, 0 में से 5 माइनस 5, यहाँ पर 4, 4 में से 1, 3 और यहाँ पर 0, यहाँ पर और 35, तो फिर से 7 से, ओके, तो 350, तो कितने बचे, 35, ओके। तो हमें क्या आंसर आया, 177, ओके। तो नाउ आंसर इज 177 बॉक्सेस, ये आपको करके दिखाना है, ओके बच्चों। तो यहाँ पर आंसर लिखेंगे हम 177 बॉक्सेस ऑफ मेडिसिन कैन बी लोडेड इन द वैन, ओके। वैन में हम 177 बॉक्सेस ले जा सकते हैं, ओके, मेडिसिन्स की, ओके, अंडरस्टैंड इट। नाउ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर इलेवन में द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड स्टूडेंट्स हाउस इन द 1 किलोमीटर, ओके, 875 मीटर्स, एवरी डे सी वॉक्ड बोथ द वेज, वेट, फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर हर इज 6 डे। अभी यहाँ पर द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड स्टूडेंट हाउस, एक स्टूडेंट है जिसके स्कूल का और घर का डिस्टेंस 1 किलोमीटर 875 मीटर है, ओके। तो ए हर रोज वो चल के जाता है, वॉक बोथ वे, ओके, सी वॉक बोथ वेज, फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हर 6 डे, 6 डे में वो कितना कवर कर सकता है। तो देखो यहाँ पर हाउस स्कूल और घर के बीच का डिस्टेंस, हाउस के बीच का डिस्टेंस, उसको हम पहले मीटर में कन्वर्ट करेंगे, फिर देखो वो एक बार चल के जाता है तो आता भी रिटर्न में चल के है ना। तो एवरी डे द स्टूडेंट्स कवर द डिस्टेंस ट्विंस, मतलब कि 2 टाइम, ओके, एक चल के जाना फिर रिटर्न भी होता है ना, ओके, समझ में आया। तो 2 टाइम्स हुआ, ओके। तो जो मीटर हम 1 डे का पहले मिनिमम डिस्टेंस कवर करेंगे, फिर उसको 6 डे में कन्वर्ट करेंगे, ओके, अंडरस्टैंड इट, ओके। आप ये कर सकते हो, तो अदरवाइज यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल, द यहाँ से डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड द House of a student is equal to 1 kilometer and 875 meter. Okay, 1 kilometer तो हमें मालूम है, okay, 1 kilometer is equal to 1000 meter, है ना। तो 1 kilometer is equal to 1000 meter plus 875 meter, मतलब के 1875 मीटर टोटल डिस्टेंस इतना है, ओके, किसका, ये घर है और यहाँ पर स्कूल है, ओके, ये स्कूल एंड होम, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस इतना है। चलो एक टाइम जाते हैं हम दिन में, ओके, फिर रिटर्न भी तो आना होता है ना, तो ट्विंस मतलब कि इतना डिस्टेंस 2 बार कवर होता है, ओके। तो 1 डे का डिस्टेंस कितना हुआ, 1 डे का डिस्टेंस कितना हुआ,
क्योंकि टू टाइम्स है ना, तो 180 इसको मल्टीप्लाई करेंगे टू से, अंडरस्टैंड? तो इतने डेली का डिस्टेंस होगा, ओके। तो 1875 मल्टीप्लाई टू, 2 5 10 0 और 1 7 2 40 और 5, 1 8 2 60 और 7 170 और 1 2 2 और प्लस, तो इतना 3750 मीटर का डिस्टेंस वो डेली कवर करता है, ओके। स्टूडेंट्स एक दिन में इतना करता है, तो हम वो कितने दिन चल के जाता है, 6 डे। तो सो द डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टूडेंट्स इन द 6 डे, स्टूडेंट इन द 6 डे, तो 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ओके। तो 3750 मीटर मल्टीप्लाई 6 डे, ओके 6, तो यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 3750 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0 0 6 5 30, 0 3 कैरी, 6 7 42, 43 44 45, 5 और 4 कैरी, 6 30 80 और 4 22, ओके। मतलब कि 22,000 मीटर, ओके। ये आंसर हमारा मीटर में है, तो इसे हम किलोमीटर में कैसे लिखेंगे, 20 किलोमीटर्स एंड 500 मीटर, ओके। तो सो आंसर इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टूडेंट्स इन 6 डे, तो 22 किलोमीटर्स एंड 500 मीटर, ओके। अंडरस्टैंड इट बच्चों, आई होप आप समझ रहे होंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करते हैं। अ वेसल हैज 4 लीटर एंड 500 मिलीमीटर ऑफ कर्ड, इन द हाउ मेनी ग्लासेस इज द 25 ml कैपेसिटी कैन बी द फिल। अभी यहाँ पर एक वेसल है जिसमें 4 लीटर एंड 500 ml कर्ड है, ओके। कितने हैं कर्ड, उसको हमें 25 ml की कैपेसिटी वाले ग्लास में कन्वर्ट करना है, तो कैन बी इट बी फिल, कितने ग्लास फिल होंगे, ओके। तो नाउ देखो यहाँ पर द क्वांटिटी ऑफ द कर्ड इन द वेसल्स 4 लीटर एंड 500 ml, तो 4 लीटर को भी हम ml में कन्वर्ट कर देंगे पहले। तो हमें मालूम है बच्चों, हम जानते कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml, ओके। तो यहाँ पर 4 × 1000 प्लस 500 ml, तो सो 4000 प्लस 500 ml, तो आंसर 4500 ml। तो इतनी हमारे पास कर्ड है, ओके, इतनी हमारे पास टोटल कर्ड है, और उसे हमने 25, ये बिग वेसल है उसमें यहाँ पर इतनी 4500 ml कर्ड है हमारे पास, कर्ड मतलब कि दही है, जिसे हमें 25 ml ग्लास में पार्ट करना है, ओके। मतलब कि डिवाइड होगा, क्या होगा बच्चों, इसमें डिवाइड होगा, ओके, अंडरस्टैंड। तो द नंबर ऑफ ग्लासेस ग्लासेस डेट कैन
बी फील फील तो 4500 डिवाइडेड बाय 20, तो आपको डिवाइड करना है। ओके, आंसर इज 180 आएगा। क्या आएगा बच्चों, चलो मैं आपको करके दिखाती हूँ। ओके, 25 वन ज़ा 25 25 वन ज़ा 25। ओके, बहुत इजी है। 0 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, ये 0 यहाँ पर, 80 200, 0 0 ये 0 यहाँ पर। ओके, तो 180। ओके, सो आंसर कैसे लिखेंगे, सो कर्ड कैन बी फील्ड इन 180 क्लासेस। ओके, अंडरस्टैंड। ओके, तो यहाँ पर हमारा चैप्टर एक्सरसाइज हमारी 1.2 कंप्लीट हो रही है बच्चों। ओके, तो आपको एक्सरसाइज पूरी करनी है। अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो फिर से आपको रिपीट करके देखना है और अंडरस्टैंड करना है। ओके, एक वन टाइम टू टाइम करेंगे रिवीजन, तो आपको आंसर समझ में आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो के लिए मिलते हैं एस्टिमेशन। ओके, हम स्टार्ट करेंगे एस्टिमेशन। ओके, नाउ टेक केयर, बाय बाय, सी यू चिल्ड्रंस।